और सीधा क्या इस वक्त हालात हैं जानने के लिए हम चलते हैं हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष के पास हम जाएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि इस ऑपरेशन को कामयाब करने के लिए हर एक संभव कोशिश की जा रही है और इसीलिए 5 ऐसे पॉइंट ढूंढे गए हैं जहां से ड्रिलिंग के जरिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, टनल में फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। चलते हैं मनीष प्रसाद के पास सीधा। मनीष, फिलहाल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जिन 5 पॉइंट्स का बार बार जिक्र हो रहा है वहां पर कितना काम पूरा कर चुकी है रेस्क्यू टीमें? प्राची, ये प्लान 5 है और उसके अंतर्गत इस समय मल्टीपल एजेंसी जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ONGC, SVJN, RVNL ऐसी तमाम एजेंसीज हैं जो कि अब एक साथ मिलकर भारतीय सेना और साथ में PMO इसे खुद मॉनिटर कर रहा है और यहां पर कार्य शुरू कर दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है ये सिलक्यारा टनल का, 4531 मीटर का ये पूरा टनल जिसमें 250 मीटर के अंदर जाते ही मलबा गिरा हुआ है, डेब्री गिरी हुई है। जो अभी हमें जानकारी मिली है उसका वीडियो हमने भेजा है, उस पर एक ऑल्टरनेट पाइप के द्वारा ताकि सॉलिड मटेरियल, सॉलिड फूड अंदर जो 41 इस समय वर्कर्स हैं उन तक भेजा जा सके, इसलिए एक और पैरेलल ड्रिलिंग की जा रही है। वहीं इसी टनल के अंदर वो पाइप है जिसके जरिए इस समय ड्राई फ्रूट्स, मेडिसिन उनको भेजी जा रही है। 4 जो अभी वर्कर्स हैं उनकी तबीयत खराब है और उनको दवाइयां भेजी गई है, तो ये पहला पॉइंट है। इसके ठीक ऊपर 88 मीटर की हाइट पर सेकंड पॉइंट यानी प्लान बी, जो प्लान 5 है उसका सेकंड पॉइंट तैयार किया गया है जहां पर उसे चिन्हित किया गया है। ONGC को अपनी पाइपिंग मशीन के द्वारा ये जिम्मा सौंपा गया है कि वो वहां से वर्टिकल जो पाइपिंग करें, वर्टिकल पाइप डालें ताकि यहां से 88 मीटर के अंदर जो डेब्री का दूसरा हिस्सा है उस जगह पर जाकर वो सीधा कनेक्ट हो सके। तीसरा, जो यहां पर आप BRO के जवान देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा करीबन 6 मीटर का रोड तैयार किया गया है, 320 मीटर का ये रोड है। थर्ड प्लान जो है वो ठीक इस डायरेक्शन में जहां आप देख रहे हैं वहां पर करीबन 170 मीटर की अगर खुदाई की जाएगी जिसमें लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक वहां से ये टनल की तरफ आता है। चौथा प्लान जो है वो मेरे दूसरी तरफ है जहां पर वाटर बॉडी है और यहां से करीबन 200 मीटर के लिए खुदाई की जाएगी और खुदाई का जिम्मा ONGC को सौंपा गया है। और पांचवा प्लान जो है वो इस सिलक्यारा टनल का जो दूसरा एक्सेस बरकोट का है वहां पे करीबन 450 मीटर का एक पूरा ब्लॉकेट है जिससे पाइपिंग के जरिए कोशिश की जा रही है कि 900 mm के डाया वाली पाइप को इंसर्ट किया जाए और वहां से भी निकाला जाए। लेकिन एक और बात, इन सभी में टाइम लगेगा लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 से 4 दिन के अंदर ये जो वर्टिकल 88 मीटर है उस पे पाइप के द्वारा जल्द से जल्द बोरिंग की जाए और फिर उसके बाद, इसीलिए इंडिया टीवी ने तय किया कि हम ऊपर जाएं, उस पोजीशन को दिखाएं, हमने वो लोकेशन दिखाई जो यहां से 88 मीटर की दूरी पर है और पाइप के द्वारा ही इंसर्ट कर वहां से जो 41 जिंदगियां इस टनल के अंदर है उनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मनीष, लेकिन मुश्किलें कहां पर पेश आ रही है, आप ये समझाइए कि कहां पर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो अटक जा रहा है, क्या सबसे बड़ी मुसीबत है जो सामने आ रही है रेस्क्यू दल के? सबसे बड़ी मुश्किल और मुसीबत इस बात की है कि समय बहुत ज्यादा निकल चुका है, 8 दिन का समय हो चुका है और उसके साथ साथ यहां पर अंदर जाना बेहद मुश्किल है क्योंकि जो डेब्री है उसके अंदर बड़ी बड़े चट्टाने, स्टील और साथ में जो आयरन के बोल्डर्स हैं जिसकी वजह से जो ब्लॉकिंग की गई थी सीमेंट की, यानी आप साधारण शब्दों में समझें तो ये जो टनल का बाहरी हिस्सा है इसमें सीमेंट, साथ में लोहा, उसके अलावा जो बड़े बड़े ब्लॉक्स लगाए गए हैं और यही मुश्किल है कि जो अमेरिकन ऑगर मशीन बुलाई गई, एक जो अंदर थी वो टूट गई जिसकी वजह से पिछले 36 घंटों से कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल, ये ऑपरेशन बड़ा मुश्किल है लेकिन इस ऑपरेशन को सफल बनाना जरूरी है क्योंकि मामला यहां 41 लोगों की जिंदगियों का है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।